स्टूडेंट्स, अपन ने पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ ली थी। अब अपन पढ़ते हैं कि लास्ट इयर्स कैसे क्वेश्चंस आए थे, जिस वजह से आपको अपनी तैयारी आगे करनी है। तो देखिए, लगभग जितने भी ईयर हैं, 2016 बोलो या 2015 बोलो, हमेशा लगभग आयनन विभव से क्वेश्चन आता ही है। किससे क्वेश्चन आता है? आयनन विभव से। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, 16 में कैसा क्वेश्चन आया था, निम्न में से किसका प्रथम आयनिक विभव उच्च होगा। आपको दिया हुआ है कार्बन, फ्लोरीन, लिथियम, ऑक्सीजन। तो देखिए, पहली बात तो आयनिक विभव होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई एनर्जी क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो देखिए, इन चारों में से किसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, कौन अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा। मैंने पहले बताया था परमाणवीय त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, कार्बन, बोरोन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये है। तो देखो, लिथियम तो क्या है, एक धातु है, तो धातु तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देती है, तो लिथियम तो क्या हो गया, यहाँ पे सबसे कम वाला हो गया। उसके बाद देखिए, कार्बन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ये तीनों क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा मुश्किल से देगी। तो अब देखना, इन तीनों में से मुश्किल से कौन देगी। तो देखिए, तीनों में से जिसका आकार सबसे छोटा होगा वो सबसे मुश्किल से देगी। देखिए, आकार इधर जाने पे क्या होता है, कम होता है, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और कार्बन, तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, कार्बन। तो कार्बन क्या है, बड़ा है, तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, कम। फिर देखिए, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से सबसे बड़ा कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बड़ा है तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, कम। तो फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फ्लोरीन। तो आपको क्या टिक करके आना है, फ्लोरीन। तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए कि कैसे, जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे गए तो आयनन ऊर्जा घटी या बढ़ी, लेफ्ट टू राइट गए तो घटी या बढ़ी। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम आयनन विभव का सही क्रम है, ये आपको क्रम दिया हुआ है, तीन ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना सही कौन सा है। देखिए, कैल्शियम है, सल्फर है, बेरियम है, सीनियम है और आर्गन है, ठीक है। तो देखिए, सबसे ज्यादा स्थाई कौन है सब में से, आर्गन है। क्या आर्गन चाहेगा क्या कि मेरा कोई एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो आर्गन क्या है, बहुत मुश्किल से देता है। आर्गन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें उसे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इस वजह से आर्गन का आयनन विभव क्या होएगा, सबसे ज्यादा उच्च। अक्रिय गैसों का आयनन विभव सबसे ज्यादा उच्च होता है। तो जहां पे भी आर्गन ज्यादा है, पहला वो वाला टिक कर दो, आर्गन ज्यादा, आर्गन ज्यादा। यहाँ पे क्या है, बेरियम, तो ये तो गलत हो गया, ये कोई नहीं वाला ऑप्शन क्या है, नहीं है। देखिए, कोई नहीं को देखते, अभी हमें पता नहीं, अभी दोनों में से एक को देखना पड़ेगा। तो ये तो गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन। अब देखिए, आर्गन क्या है, ज्यादा है। उसके बाद में देखिए, क्या सिलीनियम का ज्यादा होगा या सल्फर का ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, आप खुद ध्यान रखिए। देखिए, जैसे ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर यहाँ आता है, इधर कौन आता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यानी नियोन का सबसे ज्यादा है। तो नियोन के बाद में किसका ज्यादा होएगा, ऑक्सीजन वाले ग्रुप का ज्यादा होएगा ना, तो किसका ज्यादा होएगा, सल्फर का। तो किसका ज्यादा हो गया, सल्फर का। क्यों, क्योंकि सिलीनियम कहाँ आता है, सल्फर के नीचे, यानी आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा कम होएगी। तो यहाँ पे ये इसका आकार बढ़ा है, तो इसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, सल्फर से कम। तो सिलीनियम की आयनन ऊर्जा सल्फर से कम होगी और सल्फर की आयनन ऊर्जा सिलीनियम से ज्यादा होगी। तो ज्यादा किसकी होगी, सल्फर की। उसके बाद में कौन आएगा, सिलीनियम। तो कौन सा राइट हो रहा है, यहीं पे दिख रहा है, सेकंड राइट हो रहा है। लेकिन आगे और देख लेते हैं, कैल्शियम और बेरियम, कैल्शियम और बेरियम में से किसकी ज्यादा होगी। देखिए, बेरियम कौन से ग्रुप में आता है, हेली ना की रब से फरियाद, इसमें नहीं आता है कैल्शियम। तो किसमें आएगा, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो देखो, कैल्शियम ये रहा और बेरियम कहाँ है, ये रहा यहाँ पे। तो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो आयनन आयनन ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। तो बेरियम की क्या होगी, आयनन ऊर्जा कम होगी और कैल्शियम की आयनन ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यही है, कैल्शियम की ज्यादा, बेरियम की कम। तो यहाँ पे आंसर क्या होएगा, सेकंड। ये आया हुआ है 15 में आया हुआ, और वो 16 में आया हुआ है। ऐसे ही दो तीन क्वेश्चन और है जिनको
अपन नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे कैसे इनमें आयन ऊर्जा घटेगी या बढ़ेगी। और काफी क्वेश्चन इनसे आते हैं पीरियोडिक टेबल से, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन जेट में मिलेंगे आपको। तो आप पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एग्जाम करके आइए। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सपोर्ट।